एक बार की बात है, राजा शेर जंगल में बहुत ही उदास बैठे थे। इस बात से सभी जानवर बहुत ही चिंतित थे। एक बार राजा शेर का मंत्री जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास है। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी जानवर राजा को हंसाने के लिए पहुंचते हैं और आइए और हमारे राजा को हंसाइए। सबसे पहले हाथी आता है। वो अपने सूंड से तरह तरह के करतब करके दिखाता है। फिर हिप्पो आता है। इसी तरह सभी जानवर आते हैं, लेकिन कोई भी राजा को हंसाने में सफल नहीं हो पाता है। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है कि तुम्हें किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहां से हंसाएगी, जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी। देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपने तरफ चींटी को गुस्से में आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। राजा को हंसता देख सभी जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस कहानी का सारांश यह है कि किसी भी चीज के आकार या वेशभूषा को देखकर उसे किसी से कम नहीं समझ